वेलकम टू आवर ग्लोबल फोर न्यूज। अभी देखिए, हम अभी मार्केट में निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। आज आज मार्केट कैसा होने वाला है, कौन सा पीसी ऑप्शन में आप ट्रेड करेंगे और कौन से आपका ट्रेड करने से अच्छा सा प्रॉफिट होगा। तो मार्केट जब कल बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था तो गैप अप मार्केट हुआ था, उसके बाद मार्केट डायरेक्टली फॉल हुआ था। तो अभी मार्केट कुछ सस्टेन किया है मार्केट, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है मार्केट सस्टेन करने वाला है। मार्केट में अभी ये अगर 17,700 के ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट कम से कम 17,830 या 39 के आसपास होगा। मार्केट अभी ये जगह पर सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले चुका है और उसके बाद मार्केट यहीं पे एक नैरो जोन बन रहा है। नैरो जोन तो मार्केट अभी देखिए 10:10 टाइम हो रहा है, तो 10:10 के टाइम पे ये मार्केट थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। मार्केट यहीं पे कंफ्यूज लेवल पर है, तो अभी हम देखेंगे मार्केट में क्या होने वाला है आगे। तो FI डाटा क्या बोल रहा है, अभी देखिए 747 का करोड़ का यहीं पे सेलिंग हुआ है। फ्यूचर फ्यूचर यहीं पे देखिए सेलिंग हुआ है। तो मार्केट में अगर आपका फ्यूचर सेलिंग हुआ है तो मार्केट किस जगह में जाने के लिए सब सोच रहे हैं, मार्केट नेगेटिव में जाने के लिए यहीं पे दिखा रहा है। और ऑप्शन को यहीं पे बाइंग किया हुआ है। तो ऑप्शन ये कौन सा ऑप्शन बाइंग किया है, पॉजिटिव में है तो 2,533 करोड़ का यहीं पे ऑप्शन बाइंग, यानी आपका ये फ्यूचर के साथ ऑप्शन को हेजिंग किया गया है। तो मार्केट यहीं नीचे जाने वाला का बहुत सिंबल ये है, तो मार्केट नीचे जाने वाला है। तो मार्केट ऊपर से लोगों को रिकवर करके थोड़ा नीचे जाने वाले का ये सिंबल दे रहा है। तो यहीं पे USA मार्केट में अगर हम देखेंगे तो ये नेगेटिव साइन पे है और थोड़ा बहुत नेगेटिव में है, और ये पॉजिटिव में, डाउ जोन अभी पॉजिटिव में है। तो इसका वन डे का सिंबल ऐसा है कि मार्केट नीचे से जो गया था वो ऊपर जाके यहीं पे सस्टेन हो रहा है। तो ये USA मार्केट डाउ जोन अभी पॉजिटिव मूड में है, तो रिकवर करने के लिए अभी ये इंडियन मार्केट क्या बोल रहा है कि ये अगर ये 17,700 को अगर क्रॉस करेगा तो ये मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन साइन यहीं पे बोल रहा है नीचे जाने के लिए। तो कौन सा ट्रेड हम बनाएंगे, तो अभी हम देखेंगे ये दोनों को हम यहीं पे देखिए, ये तो हमने कर दिया। तो ये दोनों ऑप्शन को आपको लेना है 700 700 C एंड 700 700 P। अब ये P का मैंने, अगर हम P को देखेंगे तो मार्केट यहीं पे P को हम अगर चूज करेंगे तो बाइंग लेवल कहाँ पे बनना है और टारगेट क्या होना चाहिए, हम P को देखेंगे अभी। तो ये है हो गया P आपका। तो P के सिंबल के हिसाब से मुझे जितना लगता है अब मैं एनालिसिस करके आपको दूंगा, तो इसी हिसाब से आपका यहीं पे एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। ट्रेंड लाइन कैसा होगा देखिए, ये और ये एक देखिए, ये एक बड़ी से बड़ी लेके ऐसा हुआ है। तो मार्केट अब अगर आपका 64 को क्रॉस करेगा, 64 अब क्रॉस करेगा, बहुत नैरो जोन में आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 84 हो सकता है। आपका स्टॉप लॉस इधर रहेगा, ये है होगा आपका स्टॉप लॉस, ये होगा आपका बाइंग जोन, ये होगा आपका पहला टारगेट, ये होगा आपका सेकंड टारगेट। ठीक है,